तेलंगाना में बोले पीएम मोदी, नया भारत ऊर्जा से भरा हुआ है। 21वीं सदी के तीसरे दशक में हमारे पास स्वर्णिम काल आया है। शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 और ठाकरे गुट के 14 एमएलए को नोटिस जारी, अयोग्यता पर मांगा जवाब। मणिपुर पर अमेरिकी राजदूत गारसेटी के बयान से भड़की कांग्रेस, कहा जयशंकर क्या एरिक गारसेटी को करेंगे तलब। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, यूसीसी लागू करना अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं, सभी धर्मों पर पड़ेगा असर। लद्दाख से आई चीन को परेशान करने वाली खबर, भारत कर रहा बड़ी वार एक्सरसाइज, T-90 और T-72 टैंक और धनुष को किया गया तैनात। राजनीति उठापटक के बीच आदित्य ठाकरे का दावा, एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। एलिवेटेड टैक्सी वे और चौथे रनवे की जल्द शुरुआत, ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे उद्घाटन। मनीष सिसोदिया की जब्त संपत्ति पर राजनीति शुरू, सीएम केजरीवाल ने कहा एजेंसियों के डर से बीजेपी में शामिल होने का ऑफर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 की उड़ान का गवाह बनाने के लिए आम लोगों को किया आमंत्रित। इसरो ने कहा कि रॉकेट का इलेक्ट्रिकल परीक्षण हो चुका है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले एलवीएम 3 रॉकेट के प्रक्षेपण को देखने के लिए आम लोग पंजीकरण करा सकते हैं। मेयर शैली ओब्रॉय ने कहा जो बीजेपी 15 साल में न कर सकी वो हमने कुछ दिनों में कर दिखाया। राष्ट्र सर्वप्रथम।